बहुदेशी परियोजनाएं ऊर्जा व गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी के वार्षिक पारितोषण वितरण समारोह की अध्यक्षता की तथा स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करके अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में वही सफल होता है जो कड़ी मेहनत करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल तथा अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई दी तथा अन्य विद्यार्थियों को और कड़ी मेहनत कर अगले वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें सांस्कारी शिक्षा भी प्रदान करें। उन्होंने अध्यापकों से राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक पग उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं तथा प्रदेश सरकार भी उनके उत्थान तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने लोगों से बेटी बेटे के भेद को मिटाकर बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में वर्तमान में अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें स्कोड़ी खड्ड पर पुल का निर्माण, सड़कों का विस्तार, घाटों का सौंदर्यकरण तथा रेडी फेड़ी वालों के लिए उचित व्यवस्था इत्यादि प्रमुख है। उन्होंने कहा कि मंडी कॉलेज में निकट भविष्य में अति आधुनिक ऑडिटोरियम तथा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कार्य भी शीघ्र आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंगणी में हेलीपैड का निर्माण भी किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में स्टेज के साथ स्कूल मैदान को पक्का करने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 15,000 रुपए भी दिए। मान सम्मान, बहुत बड़ा मान सम्मान भी दिया, पर बेटी नहीं दी, क्योंकि घर हमेशा बेटियों से होता है और बेटियों की कमी पूरा करने के लिए मैं साल में एक दिन जरूर स्कूल में आता हूँ, आपके कार्यक्रम में आता हूं, क्योंकि आगे भी पोता हो गया, बेटे हो गए, पर बेटी नहीं हुई। तो मन में सोचता हूं कि चलिए ऊपर वाले का फैसला है, बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटी होती है, क्योंकि बेटियों से घर बढ़ता है और इसलिए अच्छा लगता है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि स्ट्रेंथ कम हुई है, मैं मानता हूं स्कूल खुलते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है और सोशल मीडिया में कुछ बातों के बारे में जिक्र किया। आजकल हर चीज सोशल मीडिया में निकल जाती है, जो कुछ हम कहते हैं सोशल मीडिया में इसके बारे में चर्चा हो जाती है, परंतु मैं कुछ तथ्यों के बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं। सरकारी स्कूलों की संख्या पहले से स्कूल बढ़े पर आधी हुई है, मैं इस प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे यदि स्कूल में जाएं। अभी जैसे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि हमारी स्ट्रेंथ +1 +2 में ज्यादा है, इसका मतलब है कि +1 +2 में आपके पास स्ट्रेंथ है। सराउंडिंग के स्कूल बनने से बच्चा चाहता कि नजदीक के स्कूलों में भेजाऊं। सरकार ने स्कूल खोल दिए और खोलते खोलते काफी स्कूल आज हमारे प्रदेश के अंदर खुले हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर खुले हैं। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर मैंने कई बार इस बात की चर्चा की। आज हमारे विद्यालय का एनुअल फंक्शन मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे सदर के ही ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा जी थे। विद्यालय की ओर से एक रिक्वेस्ट उनसे की गई थी और उस रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किया और वो यहाँ पर आकर जरूर पहुंचे। ये जो एनुअल फंक्शन होता है, साल भर स्कूल की क्या गतिविधियाँ है, क्या वो काम करते हैं और उन बच्चों का जो काम होता है उसकी पहचान और उनको सम्मानित जो है साल के अंत में किया जाता है। इसी कड़ी को लेके जो वार्षिक समारोह हमारा था, इसका आयोजन किया गया
और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि आज बारिश है और बारिश बड़ी शुभ मानी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो ये वार्षिक समारोह था, वार्षिक उत्सव था, ये भी इस बारिश के साथ शुभ हो गया। और जो शिक्षा के क्षेत्र में थे या स्पोर्ट्स में थे या दूसरे स्कूल की और भी कई एक्टिविटीज थी जिन जिन में छात्र भाग लेते थे, चाहे वो जोनल लेवल पे था या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे था, उन बच्चों को मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से प्राइजेस दिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इन बच्चों के लिए चाहे वो प्राइज छोटा सा है बहुत मायने रखता है, ठीक है। और विशेषकर जब कोई इतना बड़ा आदमी इन द शेप ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट जो है आता है और बच्चों से रूबरू होकर उनको इनाम देते हैं तो बच्चों का मनोबल जो है वो डबल हो जाता है। और बच्चे कोशिश करते हैं कि जो वर्ष भर उन्होंने मेहनत की थी वह मेहनत उनके रंग लाई। और साथ ही जो बच्चे इस इनाम से अछूते रह गए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पे अपना नाम दर्ज नहीं कर पाए, उनके लिए भी इसमें बड़ा क्लियर कट मैसेज आता है कि वे भी मंच पे जाने वाले बच्चों से कुछ सीख ले। और आगे आने वाले समय में जो है प्रतिस्पर्धा का दौर है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पे किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी आदमी जो अच्छी मेहनत करेगा, लगन के साथ, डिवोशन के साथ काम करेगा, वो इस स्थान को आसानी से अर्जित कर सकता है। तो जो बच्चों जिन्होंने प्राइजेस लिए उनको तो हमने बहुत बहुत बधाई दी, वो इसकी बधाई के पात्र भी थे। और जो बच्चे इस इनाम से अछूते रह गए, इनाम नहीं ले पाए, ठीक है, उनके लिए भी हमने एक मनोकामना की कि आने वाले समय में इस चीज को समझे कि मेहनत क्या होती है और मेहनत जब रंग लाती है तो किस रूप में लाती है। सबके सामने वो मेहनत आती है, उस मेहनत की पहचान होती है, उस मेहनत को सम्मानित भी किया जाता है कि बच्चे ऐसा सीख लेकर के घर जाए और आने वाले समय में वो मेहनत करे और अपने क्षेत्र में जो है, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ जो है वो सफल हो। इसी के साथ ही मैंने जो जितने भी यहाँ लोग आए हुए थे मुख्य अतिथि के साथ, जो सम्मानित हमारे अभिभावक लोग, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग, देन हमारे SMC के प्रधान और उनके कार्यकारिणी के सदस्य, सभी को मैं हार्दिक इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और